नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसर्ट्स। बोचहा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बात हम अमर पासवान की कर रहे हैं जो मुसाफिर पासवान के बेटे हैं। आपको बता दें कि बोचहा में उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में अब अमर पासवान VIP का दामन छोड़कर RJD का दामन उन्होंने थाम लिया है और इस पर अब मुहर भी लग गई है क्योंकि अमर पासवान को सिंबल दे दिया गया है। अब ऐसे में राजद के तरफ से अमर पासवान जो है बोचहा विधानसभा में अपनी उम्मीदवारी रखेंगे, अपना नामांकन करेंगे, ये बड़ी खबर है। इस मौके पर अमन पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनते जाइए। देखिए, 17 तारीख को NDA ने अपना BJP, खासकर मैं उसको कहना चाहूँगा कि BJP ने अपनी तरफ से पार्टी की घोषणा की और ये सीट VIP की थी और मैं उस स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी इस सीट पे विधायक रहे हैं और पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े थे और कहीं ना कहीं हम भी इस लगन के साथ क्षेत्र में थे और हम चाहते थे कि विधायक जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके परिवारजनों में से किसी को एक को टिकट मिलता है। लेकिन 17 तारीख की डेट को जब उनका बेबी जी का नाम सामने आए तो फिर कोई प्रक्रिया और मुकेश सहनी जी की तरफ से VIP की तरफ से नहीं मिली। मुकेश सहनी ने तो कहा कि आपसे बातचीत करने की कोशिश की, ये बातें हुई हैं तो अभी तो बस मात्र 2 दिन का समय बचा है तो मैं इसमें कहीं ना कहीं तो मैं अपनी बाबूजी की अस्मिता और इस ईमानदार छवि को धूमिल नहीं करना चाहूँगा। भरोसा आपको नहीं हुआ इस NDA के अनुराग कुश्ती में? जी, उन्होंने खासकर मैं कहना चाहूँगा कि भरोसा नहीं दिला पाए कि मैं यहाँ पे रह के और उनकी पार्टी से मुझे टिकट मिलेगा। 2 लोग एक ही जगह से लड़ेंगे तो कुछ नहीं, मैं अकेले लड़के इसको अपने दम पे मैं जिताऊंगा और हमारे कार्यकर्ता हैं, मैं उनके साथ जुड़ के कदम से कदम, सीना पीठ से पीठ मिला के काम करूंगा। जी, अपमान ही हुआ है क्योंकि एक ईमानदार छवि, मुसाफिर पासवान जी की एक ईमानदार छवि थी और क्षेत्र में जनता के बीच में वो बहुत ही अच्छे वक्ता के तौर पे और अपनी बातों को स्वच्छ किसने किया अपमान? BJP VIP किसने? ये देखिए, कहीं गठबंधन NDA की तरफ से ही अपमान हुआ है कि किसी ने भी इस बात के ऊपर विचार नहीं किया। लगता है कि तेजस्वी का झंडा लहराएगा RJD? जी, जरूर लहराएगा और 2025 में ये उपचुनाव नहीं है, ये चुनाव ही एक उन रूप से चुनाव ही है और आप जीतेंगे। जी, 22 में हम जीतेंगे और 25 में झंडा लड़ाएगा। तो आपने अमन पासवान का को सुना, उनका साफ तौर पे कहना है कि हम एक ही क्षेत्र में 2 लोग लड़ते तो वो सही नहीं होता क्योंकि BJP ने बोझा से बेबी कुमारी को खड़ा किया है, अगर हम VIP से लड़ते तो वो सही नहीं होता, इसलिए उन्होंने राजद का दामन थामा है और अब राजद के कार्यकर्ताओं के साथ उनका कहना है कि मिलकर हम खूब लगन से काम करेंगे और जो जीत है इस सीट पर दर्ज करेंगे। लेकिन देखना काफी दिलचस्प होगा क्योंकि ये बोझा में होने वाले उपचुनाव को लेकर जो राजनीति सरगर्मी है वो तेज होते जा रही है और क्या कुछ इसमें आगे होता है ये भी देखना काफी दिलचस्प रहेगा और खासकर मुकेश सहनी का इन सब पर क्या रुख रहता है ये भी अभी आना बाकी है। आप देख रहे हैं बिहार इंसर्ट्स, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।